Hi, welcome back to the channel. This is Shivai. I recently bought these two insoles for my shoes because एक जूता था मेरे पास जो एक तरह से कॉपी था एक जूते का, बहुत ब्रांडेड जूते का कॉपी था, एंड मुझे लगता था यार इसमें अगर एक बढ़िया इंसोल लग जाए या किसी भी जूते में एक अच्छा इंसोल लग जाए तो आपका कंफर्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली हम एक जूता खरीदते हैं जो बहुत ही सेक्सी लगता है लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता, तो उसके लिए अगर हमारे पास एक इंसोल हो तो कितना मज़ेदार होगा जो आपके जूते के कंफर्ट को बढ़ा दे। तो मैंने दो इंसोल्स खरीदे हैं एंड दोनों अपने अपने प्राइसेस में काफ़ी बेस्ट हैं, लेकिन एक थोड़ा महंगा है, प्रीमियम है, एक थोड़ा सस्ता है, इसमें एक में ही दो आ जाते हैं। तो आज मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फुट वाइटल करके एक ब्रांड है, शू इंसोल मेमोरी फोम पैड फॉर अ कंफर्टेबल फिट, फिट्स एनी शू, पेयर ऑफ टू। तो ये 7 नंबर हमने मंगाया, इसमें 3 कलर आ जाते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, मेरा ब्लैक है। लेट्स अनबॉक्स इट। इसको अनबॉक्स करने के बाद हमें 4 पीसेस मिलते हैं, मतलब दो जूतों के लिए अलग अलग, एंड दोनों 7 नंबर हैं, दोनों ब्लैक कलर हैं। अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की तो हम इसे अपने जूते में, इस वाले जूते में जो कि आप समझ रहे हो किसका कॉपी है और किस तरह से बनाया गया है, इसको बहुत ही सस्ता 500 के आसपास का जूता है, एंड इसके अंदर का जो ये पूरा जो सोल है बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। इस पर हम इसको पेयर करेंगे और देखेंगे कि कंफर्ट कैसा है। दूसरा इंसोल हमारे पास आ जाता है फोवेरा की तरफ से, ऑर्थोपेडिक जेल इंसोल, ऑल डे शॉक अब्सॉर्प्शन और कंफर्ट एंड कंफर्ट बेसिकली। तो ये महंगा वाला है, मतलब 350 के आसपास का है, ये वाला 250-200 के आसपास का था, जिसमें दो मिल जाता है, इसमें सिंगल पेयर है। तो चलो इसको ओपन करते हैं और आपको दिखा देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये इंसोल हमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग करी गई, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, मतलब इससे तो बेहतर ही लग रहा है। सो ये कुछ ऐसा है, एंड प्लास्टिक हटाते हैं। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा अगर मैं इसको कहूँ तो कैन यू सी कितना सॉफ्ट है ये बहुत स्पंजी है, मतलब ये पूरा रबर है, एंड मुझे लगता है ये आपके सोल को बेहतर बनाएगा और आपके पैरों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा। नॉर्मल सी बात है यार, बहुत प्रीमियम है ये और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है बिकॉज इसके एड्स मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो चलो इन दोनों को पेयर करते हैं, इस जूते में डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंफर्टेबल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे साइज़ के लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये फ्री साइज़ है एक तरह से और आपने ABCD के हिसाब से काट कर निकाल सकते हो। मैंने एक काटा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से मैंने ये वाला पार्ट काट के निकाला है। इसको कैसे आप नापोगे, कोई भी इंसोल निकालो किसी भी शूज़ का और इसको इंसोल को यहाँ रखो और नाप कर नीचे से नापना, नीचे से क्योंकि ये मेन पार्ट है इसको नहीं काटना है, नीचे से ऐसे नाप के ऊपर वाला काट दो, ऐसे, समझ गए। नहीं है कोई जूता इंसोल नहीं मिल रहा है तो अपने जूते पे नाप कर अपने हिसाब से एक कट कर दो, क्योंकि यहाँ पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं अगर आप ध्यान से देखो कि ABCD करके। तो मैंने काट के निकाल दिया और चलो इसको भी काट के निकालते हैं और पहन कर देखते हैं कैसा है। ऑल राइट गाइज, हमारे पास दोनों के रिव्यूज आ चुके हैं और अगर हम बात करें जब हमने इस इंसोल को इस जूते में लगाकर पहना तो मुझे लगता है कि ये इंसोल बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि दोनों मैंने अच्छी क्वालिटी के ही मंगाए थे, दोनों में बस प्राइस का डिफरेंस है और दोनों में अलग अलग क्वांटिटी का डिफरेंस है, इसमें दो आता है और इस वाले में एक। तो जब इस इंसोल को मैंने पहना तो बहुत स्पंजी, बहुत दबाव, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं गद्दे पे चल रहा हूँ, और मेरे इस जूते को काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया। लेकिन अब इसे कंपेयर करने के बाद अगर मैं कहूँ, जब इस इनसोल को जब मैंने पहना तो मुझे ये स्पंजी बिल्कुल नहीं लगा, मतलब मुझे फील नहीं हो रहा था कि पैर मेरा दब रहा है, टाइट लग रहा था, ये स्पंजी लग रहा था, मेरा पैर दब रहा था, मुझे गद्दे जैसा फील हो रहा था लेकिन ये दब नहीं रहा था, टाइट लग रहा था और स्पंजी नहीं लग रहा था। लेकिन ये इससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे बिकॉज ये इस तरह से बनाया गया है कि जब आपका पैर इस पर लगे, इस पर चढ़े तो आप में दबाव महसूस ना हो लेकिन बहुत कंफर्टेबल हो। अगर मैं साइड में भी देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है, चारों तरफ से ढकता है पूरे एंकल को आपके, बट इसमें इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है। ये कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, 3-6 महीने बाद आपका दब कर ख़त्म हो जाएगा। मतलब बहुत सारे अच्छे सोल्स मैंने देखे हैं, सोल्स वो अक्सर क्या होता है बहुत टाइम तक पहनने पर दबते दबते पतले हो जाते हैं, बट इसके साथ खास बात क्या है कि ये दब कर पतला नहीं होगा, इसके अंदर कोई कुशन नहीं है, इसके अंदर रबर है, तो रबर कभी भी दब कर पतला नहीं होगा। तो इसके साथ ये खास बात है
ये ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा, आपके पैरों को ज़्यादा आराम देगा, बट ये भी कंफर्टेबल है, सस्ता है, कम टाइम तक चलेगा, आपके पैरों को ज़्यादा आराम देगा। समझ गए आप, दोनों में से कंपेयर मैंने आपको करके दिखा दिया कौन सा बेस्ट है। आपको जो परचेस करना, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। सस्ते में दो, थोड़ा टाइम तक चलेगा, थोड़ा महंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा महंगे में एक, ज़्यादा टाइम तक चलेगा और ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको जो परचेस करना है जाके खरीद लो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं अगला वीडियो क्या बनाएं। चलो जी, इसकी तो लाइव बन गई।